तो आज हम लोग चार लोग मिल रहे हैं और मैं और अरुण इधर ही ज्यादातर इसी देश में रहे और यहीं रहते हैं, और पवन अभी अमेरिका में है, पीएचडी कर रहा है, उसके पहले एमएस किया, और हर्ष भी वहाँ काफी समय बिताता है और अब फिर जा रहा है। तो अच्छा खासा अनुभव इन दोनों को है अमरीकी जीवन के बारे में, और तो ये अच्छा रहेगा कि हम लोग इस पर बात करें कि वहाँ का जीवन यहाँ का जीवन में क्या अंतर है, दृष्टि में क्या अंतर है, कौन से आयाम है जो वहाँ ज्यादा ठीक लगते हैं इन लोगों को, अपने कैसे देखते हैं, मतलब ऐसे जनरल बात करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले पवन आप बताइए, आप कितने साल से वहां पे हैं, वो भी कितने साल हो गए तुमको? हमको हो गए करीब करीब 6.5 साल। बहुत होता है 6.5, और जी अभी तो अच्छा खासा तुमको हर प्रकार का अनुभव होगा, और वो अनुभव ऐसा भी होगा कि शुरू में जो तुम्हारा इम्प्रेशन रहा होगा जाने के 6 महीने 1 साल तक जो तुमने महसूस किया होगा, उसमें बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ होगा, उसके बीच में तुमने कोविड वगैरह भी देख लिया, ट्रम्प को भी देख लिया, अब बिडेन आ गए हैं उसको भी देख लिया, और जो अमेरिका की अब आजकल हम लोग तो यहाँ बैठ के सुनते हैं कि थोड़ी सी हालत पतली हो रही है, तो वो भी तो अगर वो बात सच है तो वो दौर भी देखा है, तो ये जो काले गोरे का मुद्दा है वो भी देखा है, और तो अनुभव तो काफी हुए होंगे, तो हम थोड़ा सा उसको शेयर करो हम लोग के साथ। बिल्कुल, कई तरह के अनुभव रहे और कई जगहों पे मैं रहा। तो जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैं टेनेसी आया था। टेनेसी एक यहाँ पे स्टेट है, अमेरिका के दक्षिण भाग में पड़ता है। तो करीब 2 वर्ष हम टेनेसी में रहे, और वो ऐसा इलाका है जहाँ की ऐसा कहते हैं कि रेसिज्म बहुत है वहाँ पे। ठीक है, और अब उसपे हम आएंगे। और उसके बाद फिर हम करीब 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 5 वर्ष पेंसिल्वेनिया में, 4 वर्ष पेंसिल्वेनिया में हम बिताए। तो ये पूरा ईस्ट में पड़ता है, और बगल में न्यूयॉर्क है, उसके बगल में वॉशिंगटन है, मेरीलैंड, ये सब लगा हुआ है इसका। और ये लिबरल इलाका इसको बोलते हैं, और ऐसा कहते हैं कि भाई ये बड़े खुले विचारों के हैं और यहाँ पे रेसिज्म नहीं है या फिर बहुत कम है। ठीक है, तो एक फर्क हमने वहां और यहाँ में देखा। वहां पे लोग कम पढ़े लिखे थे और काफी हद तक क्रिश्चियन बेल्ट जैसा वो था टेनेसी। तो वहां पे अभी भी परिवार होते हैं, परिवार में और काफी बच्चे ये लोग करते हैं, 5-6 बच्चे। तो परिवार का स्वरूप हमने टेनेसी में देखा। दूसरी बात कि ये बात ठीक है कि कुछ हद तक रेसिज्म तो वहां भी था, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि यहां से कम था। हाँ हाँ पेंसिल्वेनिया से कम था, बिल्कुल बिल्कुल और कम था, जो कि लिबरल माना जाता है। बिल्कुल। हाँ तो अच्छा जब तुम लिबरल कहते हो तो यहाँ पे क्या बिडेन को ज्यादा वोट मिले क्या पेंसिल्वेनिया में? यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी का राज है और वो टेनेसी में रिपब्लिकन, हार्ड कोर रिपब्लिकन। हाँ, और दूसरी बात एक, तुम ये हाँ कह रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे ज्यादा रेसिज्म है वहां पे कम रेसिज्म था, बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण है ये बात, इसको और पूरा एक्सप्लेन करना जब भी तुमको। हाँ, और एक और चीज हमने व्यक्तिगत देखा कि वहां पे अभी भी मतलब सहयोग करने की प्रवृत्ति ज्यादा है यहाँ से। मतलब लोग आपकी मदद करेंगे, एकदम से पल्ला नहीं झाड़ लेंगे, और मतलब अगर आपको जरूरत है तो बिना बोले भी वो मदद करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फर्क देखा जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो और जबकि वहां के लोग कम पढ़े लिखे हैं, ये भी है। शिक्षा जो वर्तमान जो तथा कथित जो शिक्षा है उसके हिसाब से टेनेसी बहुत ही कम शिक्षित प्रदेश है इसके तुलना में। पर उसके बावजूद भी लोगों में लोग परिवार में रहते हैं, उनका आचरण यहाँ के लोगों के आचरण से ज्यादा
अनुशासित है और सहयोग की प्रवृत्ति है उनके अंदर, और रेसिज्म जो है नहीं नहीं है या फिर कम है यहाँ से बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, और मेरे ख्याल से अमेरिका के और ऐसे स्टेट जो अविकसित जिसको कहते हैं, वहाँ फिर भी कुछ हद तक मानवीयता, सामाजिकता, परिवार ये सब देखा। जैसे कैंसस में भी हम कुछ महीने रहते हैं, तो कैंसस एक पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है, केवल खेती होती है, तो वहाँ भी हमने चीज़ें उतनी गड़बड़ नहीं देखी। लेकिन वही दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में आइए या पेंसिल्वेनिया में आइए, इन सब जगहों, बोस्टन में भी कुछ समय हम रहे, तो जो लिबरल वाली जो जगह है वहां पे वो चीजें ज्यादा हैं, और एक कभी भी मीडिया में ये चीज नहीं आती है। नहीं नहीं इम्प्रेशन भी हम लोग का ये है कि पूरी मतलब वो जो पढ़ लिख के ही हुआ है कि ये जो लिबरल कम्युनिटी है वो रेसिस्ट, वो तो ब्लैक लाइफ मैटर्स और पता नहीं क्या क्या स्लोगन देते हैं, और ये लोग डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में बात करते हैं। तो ये जो तुम बात बोल रहे हो ये तो बिल्कुल नई बात बोल रहे हो एक तरह से, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हर्ष आप कहाँ रहते हो और ये हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम? मैं तो अटलांटा में रहता हूँ, जो साउथ में है, जॉर्जिया करके स्टेट है, वो भी वाइट वो होगा ना, वाइट, और हिस्टोरिकली वो माना गया है स्लेवरी और उसके लिए। लेकिन एक्चुअली मतलब पवन और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग ही इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ काम नहीं करता हूँ, मेरी पत्नी वहाँ काम करती है, मैं तो बस आ रहा हूँ जा रहा हूँ और मोटा मोटा एक तरह से अपने नेबरहुड में रह रहा हूँ। तो मुझे मेरा अंग्रेजों से इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है, जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है वो बाज़ार में है या सड़क पर है, ऐसे ऑफिस में यूनिवर्सिटीज में इंटरेक्शन बहुत कम है। थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जो है वो मेरी बेटी की वजह से है, स्कूल उसको ले जाते हैं तो पेरेंट्स मिलते हैं, उसकी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है जिमनास्टिक्स विमनास्टिक्स की, तो वहाँ पर लोग मिलते हैं। तो मेरा एक्चुअली यूएस का एक्सपीरियंस उसको कैसे कहना चाहिए, बहुत अच्छा रहा है अभी तक तो, और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ अमेरिकन से, सरप्राइजिंगली बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। जैसे मैंने ये देखा वहाँ पे कि वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं और जल्दी सुबह उठ के काम पे लग जाते हैं। और मैं कंपेयर करूँ अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है दिल्ली हैदराबाद का, दिल्ली हैदराबाद में जो ट्रैफिक शुरू होता है वो 8-8:30 बजे शुरू होता है और 9-10 जो ट्रैफिक रहता है, यहाँ पे मैंने देखा लोग 6 बजे ऑफिस के लिए निकल गए हैं और 7-8 बजे लॉगिंग करके काम शुरू कर रहे हैं और 4:30-5 तक काम खत्म करके घर आ रहे हैं। जबकि मैंने जो देखा दिल्ली हैदराबाद में तो वो लेट शुरू कर रहे हैं और लोग लेट 9-10-11 बजे अपने घर लौट रहे हैं। तो इस बात से मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मैंने देखा कि यहाँ के जो कारीगर हैं, कोई कारपेंटर आते हैं आपके घर पे या जो भी कारीगरी का सामान काम करते हैं लोग, बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। मैं अब जब हिंदुस्तान में जो कारीगर देखता हूँ, एक तो कारीगर की मैंने कल्पना सुनी है गुरु जी के मुँह से, उस कल्पना को देखता है हिंदुस्तान के कारीगर बहुत मतलब टॉप क्लास काम करते हैं। लेकिन अभी जो कारीगर हम देखते हैं हिंदुस्तान में, मतलब वो मजाक में हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो वो है वो स्लोप भी ठीक से नहीं बना पाता है बाथरूम का, बाथरूम की नाली कहीं और होती है, पानी कहीं और इकट्ठा हो रहा होता है ना, इस तरह की बिजली वाले भी। तो मुझे एक तो लगा कि वहाँ का जो कारीगर है जो दुकान पे भी जो बैठा हुआ है वो सिंसियरली काम कर रहा है और हार्ड वर्किंग है। काम चोरी जैसी मुझे एक बाजार में या कारीगरों में दिखी नहीं मुझे। फिर मैंने ये भी देखा कि ये अंग्रेज लोग या तो शादी नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं या कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन अगर शादी करते हैं तो 3-4-5 बच्चे करते हैं और ज़्यादातर महिलाएं मैंने देखी हैं वो फिर घर पे रहती हैं और बच्चों की अच्छी देखभाल करती हैं। और मुझे ऐसे मेमोरी नहीं है कि कोई अंग्रेज़ बच्चा है जो जिद कर रहा है बाजार में कि मुझे ये चॉकलेट खानी है या ये टॉफ़ी खानी है, मतलब डिसिप्लिन्ड बच्चे मैंने अंग्रेज़ों के देखे हैं।
ऐसा देख के लगता है कि इनकी माँ इन पे बहुत ध्यान दे रही है। शायद वो इसलिए भी होगा कि क्योंकि शायद क्रिश्चियन डोमिनेशन है तो चर्च ले जाते होंगे, और एक तरह का ये होगा कि फैमिली वैल्यूज है, शायद उस तरह का भी कारण होगा, वो देखा मैंने। लेकिन मैंने इसके पीछे ये भी पाया कि अंग्रेजों में बहुत प्रेशर है अपनी शादी करने का। जैसे मैं अगर अपने आप को देखता हूँ तो मुझे शादी होगी नहीं होगी इसकी भी बहुत चिंता नहीं थी। मुझे लगता था या तो मैं कोई ढूंढ लूंगा और मुझे कोई नहीं मिली तो मेरे पेरेंट्स रिश्तेदार मिलकर मेरे लिए कोई ढूंढ लेंगे। वहां मैं देखता हूँ कि लोग बहुत एफर्ट लगाते हैं एक पार्टनर ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हीं को खुद ही ढूंढना है। जैसे नौकरी भी खुद ही ढूंढनी है, वैसे लाइफ पार्टनर भी खुद ही ढूंढना है, और इसके लिए बहुत एफर्ट है। शायद बहुत सारी सामाजिकता इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना है, जो रेस्टोरेंट कल्चर है, जो पब कल्चर है, और उसमें ऑफकोर्स बहुत मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि यंग उम्र में कुछ बहुत पता नहीं होता है कि सही पार्टनर गलत पार्टनर की पहचान नहीं होती है, उसमें दिल भी टूटते होंगे, ये सब भी होता होगा, कन्फ्यूजन भी होता होगा। तो वो प्रेशर मैंने वहाँ देखा लोगों में। लेकिन ये देखा कि एक बार शादी हो जाएगी, हो जाती है, तो फिर एक लाइफ, एक परिवार की लाइफ, उनकी बड़ा घर लेते हैं 4-5 कमरों का, फिर बच्चे करते हैं खूब, और एक तरह डिसिप्लिन लाइफ रहती है। फिर मैंने ये भी देखा कि अच्छा, मेरा ज़्यादातर है ना इंडियंस के साथ होता है क्योंकि इंडियन नेबरहुड में रहते हैं हम लोग, जहाँ पे भी रहे हैं इंडियन नेबरहुड ही हुआ है। ये सारे इंडियंस ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि वर्क वीज़ा पे आए हुए हैं। तो मैं कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ क्योंकि इनकी सारी बातें गिन चुनकर 2-3 चीज़ों पे रहती है। एक तो ग्रीन कार्ड का क्या स्टेटस चल रहा है, बीच में जब ट्रम्प था तो ट्रम्प 1-2 महीने में कोई स्टेटमेंट दे देता था ग्रीन कार्ड के बारे में, तो उससे हमारे सारे इंडियंस की दुनिया ऊपर नीचे हो जाती थी। फिर दूसरा स्टेटस रहता है कि शेयर मार्केट पे कौन सा टेस्ला ने ट्विटर खरीद लिया और ये सब। तो मैंने देखे नहीं ऐसे इंडियंस जो कुछ सामाजिक चर्चा कर रहे हो, या कोई इवन जो पॉलिटिकल चर्चा भी नहीं करते, मैंने इंडियंस देखे। वो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखे, है ना। मेरे मेरे जीवन में अच्छी चर्चा करने वाले लोग मुझे आदिलाबाद और हैदराबाद में ही मिले, दिल्ली में नहीं मिले, है ना। बम्बई में मेरे कजन्स ऐसे कोई चर्चा वर्चा करते नहीं है। तो ओवरऑल ये मेरा इम्प्रेशन है अमेरिका का कि हार्ड वर्किंग लोग हैं, सिंसियर लोग हैं। हाँ, मेरा ये इंटरप्रिटेशन है ये कि एक आम अमेरिकन ये मानता है कि हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, तो जैसा हम करेंगे आज वैसी दुनिया हमको फॉलो करेगी। ये सेंस ऑफ जिम्मेदारी उनके व्यवहार में मुझे दिखी कि अगर हम रेड लाइट तोड़ने लगेंगे तो सब रेड लाइट तोड़ने लगेंगे, अगर हम सड़क पर दुर्व्यवहार करने लगेंगे तो सब दुर्व्यवहार। एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी मुझे देखी पब्लिक बिहेवियर में कि भाई आप अगर ऐसा करोगे तो फिर बाकी लोग भी ऐसा करने लगेंगे, उससे माहौल खराब हो जाएगा। वो मुझे ओवरऑल मेरा इंप्रेशन है जॉर्जिया अटलांटा का। मैं थोड़ा बहुत घूमा हूँ ये अमेरिका, लेकिन जो भी घूमा हूँ मुझे इसमें अटलांटा ही सबसे बेहतर जगह लगी है। इसमें दो तीन बातें और मैं जोड़ता हूँ कि एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे मैं भी सहमत हूँ कि इनकी बचपन से जो ट्रेनिंग होती है वो एक एक हार्ड वर्किंग कि भाई मेहनत करना है और मेहनत करके आप तरक्की कर सकते हैं, इसके घुट्टी इनको बचपन से पिलाते हैं। और दूसरा जो एथिक्स वाला जो चीज है, एथिक्स मतलब प्रोफेशनल एथिक्स जो है, तो प्रोफेशनल एथिक्स की भी घुट्टी इनको इतना कस के पिलाते हैं कि वो इन जनरल हमने देखा लोगों में कि अगर वो कोई आपको मान लीजिए कोई प्रॉमिस करते हैं तो उसको पूरा करेंगे, अगर कोई काम की जिम्मेदारी लेंगे तो फिर कोशिश करेंगे कि, तो प्रोफेशनल लाइफ में तो इनका बहुत ही अनुशासन दिखाई पड़ता है जो है, मेहनती होते हैं, उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जो है, जैसे अगर बुद्धिमत्ता की बात करें, शार्पनेस की बात करें, तो उसमें हमने इंडियंस को, ईरानियंस को और चाइनीज को जितना जो है होशियार देखा उतने नहीं होते, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। एक बात, दूसरी बात कि
जहां तक जो रिश्तों की बात है, तो ये लोग क्या होते हैं कि बहुत टाइम लेते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि दो अनजान लोग कहीं किसी एयरपोर्ट पे मिले, थोड़ी बातचीत हुई या फिर बड़े घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है, हर तरह की बातें होने लगती हैं, लोग है ना ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ये चीज हमने नहीं देखा। यहाँ पे वो आपको पहले बहुत लंबे समय तक जज करेंगे, फिर धीरे धीरे ओपन होंगे। और रिलेशनशिप में एक हमेशा एक दूरी बना के चलेंगे, अपने आप को बचा के चलेंगे। ये चीज हमने इनमें नोटिस की जो है, तो ये वाली चीज है। फिर ये बात भी उन्होंने बहुत ठीक कहा, ये लगभग जितने स्टेट से मैं रहा हूँ ये कॉमन हमने चीज देखी कि ये जल्दी सो जाते हैं 9 बजे तक और जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, दो तीन चीजें मैं और जोड़ना चाहता हूँ, मुझे अभी ध्यान आया। जैसे मेरी वाइफ तो वहाँ पे काम करती है और पिछले दो साल से तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो मैंने ये देखा है कि मान लीजिए आपको अपने बच्चे के स्कूल के लिए जाना है दिन में या डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होती। इन लोगों को लिख देते हैं कि स्कूल टीचर मीटिंग है या डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है, इट इज अंडरस्टैंड। मतलब वो उसमें ऐसा नहीं कि हाफ डे कट गया या ना, ऐसा नहीं होता है। मेरी वाइफ के जो दो बॉस रहे हैं, दोनों अंग्रेज बॉस रहे हैं, और इनकी क्या होता है कि दो हफ्ते में एक बार इनका वन ऑन वन होता है जहाँ बॉस और ये मिलकर हर दो हफ्ते में एक दूसरे से अपडेट लेते हैं। वो मैंने बातें सुनी हैं, वो बहुत ही वो सारी बातें जो पूछ रहा होता है वो मेरी वाइफ की फैमिली के बारे में पूछ रहा होता है, फैमिली में बेटी कैसी है क्या है। तो ये शायद जॉर्जिया की वजह से है, मुझे पता नहीं ऊपर नॉर्थ में क्या माहौल है, लेकिन मेरी वाइफ के ऑफिस में जो माहौल मैंने देखा उसमें ये है कि भाई फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, और वर्क उसके लिए थोड़ा सफ़र करे तो ऐसी कोई इसमें वो बात नहीं है। ये भी मैंने देखा यहाँ पे, हो सकता है वो इनकी कंपनी का ही ऐसा माहौल हो, ऐसे मैं इसे नहीं कह सकता हूँ। जॉर्जिया भी वाइट डोमिनेटेड एरिया है क्या? हाँ, क्रिश्चियन वाइट। अच्छा, मैं पवन एक तुमसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जैसे अभी हर्ष ने बताया कि उसका ज्यादा एक्सपीरियंस इंडियन कम्युनिटी के साथ है जो है, और बाकी का एक इम्प्रेशन है वो, पर तुम्हारे क्योंकि मैंने तुमसे जब शुरू में तुम गए थे तो थोड़ी बातें अपनी उस दूसरी तरह की भी होती थी, तो मुझे पता है कि तुम्हारी जो अकेडमिक कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे इंडियंस से भी तुम्हारा वास्ता पड़ा है, स्टूडेंट्स भी और टीचिंग स्टाफ भी, प्रोफेसर भी और तुम्हारे गाइड्स वगैरह भी, और दूसरे नॉन इंडियन से भी वास्ता पड़ा है, ईरानियन से भी पड़ा है और अमेरिकन से भी पड़ा है। तो ये जो अकेडमिक दुनिया है इसमें तुम इंडियंस को जो वहां काम कर रहे हैं, मैं उनकी काबिलियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अकेडमिक्स में कैसे हैं या नहीं, मैं ज्यादा इस बात की बात कर रहा हूँ कि उनको तुम कैसा पाते हो, उनमें खुलापन, उनमें भारत के प्रति उनका नजरिया, वो उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल, उनमें असुरक्षा की भावना, उनमें मतलब ये इन चीजों पे तुम थोड़ा अगर बताओ, और उनको अगर तुम कंपेयर कर सको विज़ लेट्स से चाइनीज या ईरानियन, ये दो नाम तुमने लिए, और अमेरिकन, तो थोड़ा उस पर बताओ बात। हाँ, तो जहाँ तक असुरक्षा की भावना की बात है तो वो सबसे ज्यादा असुरक्षा की भावना जो है वो ईरानियंस में होती है, उसके उससे उससे उसके बराबर या उससे थोड़ा कम इंडियंस में होती है और सबसे कम चाइनीज में होती है। मतलब ठीक है, अब इंडियंस की जो कि बात हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, डायरेक्टर्स, इन सब के साथ भी हम काम किए और उनको भली भांति देखा, लेकिन उनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो रिलेटिव कॉन्फिडेंस है, सापेक्षिक आत्मविश्वास है। तो वो क्या होता है कि वो इंडियन बॉस
जब अपने इंडियन इम्प्लॉयज के साथ डील करता है तो उसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। और वही वही इंडियन जो बॉस जो है जब अपने किसी वाइट इम्प्लॉय के साथ होता है या फिर अपने इम्प्लॉयर के साथ होता है तो एकदम अलग होता है। वहाँ पे इवन हमने ये भी देखा कि अगर कोई प्रोफेसर है, इंडियन प्रोफेसर है और उसका स्टूडेंट वाइट है, तब भी वो प्रोफेसर को डर लगता है वहाँ पे, और वो बहुत ही जो है बच के बात करता है, सम्मानजनक ढंग से जो है कोशिश करेगा। वो एकदम अलग अलग डील है उसके साथ। लेकिन वही प्रोफेसर जब नॉन अमेरिकन के साथ करेगा तो बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है मतलब उनका ऐसे बदलता है, और वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर बहुत ही गहरे में बहुत हीन भावना और असुरक्षा की भावना भरी हुई है, और वो हीन भावना और असुरक्षा की भावना का आपके पद से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने यूनिफॉर्मली देखा, वो चाहे भाई एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने वाला एक आदमी हो, चाहे वो जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का सुरक्षा सलाहकार हो, वो सबकी हालत वैसी ही है। इससे मुझे एक ऑब्जर्वेशन देनी है। मैं यहाँ पे साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में एक डिस्टिंक्शन करना चाह रहा हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे साउथ इंडियन अंग्रेजी में वो एक्सेंट नहीं है लेता है, वो अपने देसी तेलुगु तमिल एक्सेंट में ही बात कर रहा होता है, वो भले ही प्रोफेशनल कॉल में बात कर रहा होता है। और मेरे ख्याल से सिर्फ मेरी ही बीवी है नॉर्थ इंडियन जिसने एक्सेंट नहीं पकड़ा है, बाकी मैं जितने नॉर्थ इंडियंस को देखा है वो सब एक्सेंट उन्होंने पकड़ लिया है। ये बहुत ही मैंने इंटरेस्टिंग पाया है। जैसे मेरी वाइफ की टीम में करीब 6-7 लोग हैदराबाद के ही हैं, और कभी आप उनकी टीम मीटिंग की कॉल सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तेलुगु लोग ही आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल एक्सेंट नहीं है। और मैं कभी सोचता हूँ कि इनका बॉस बेचारा कैसे समझ रहा है इनकी बातें, जबकि मेरे जो नॉर्थ इंडियन दोस्त हैं जिनसे मिला हूँ मैं, वो बिल्कुल एक्सेंट पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक बोल रहे हैं, इधर नॉर्थ साइड, दिल्ली साइड, और जो साउथ इंडियन दो जनरेशन से वहां है, सेकंड जनरेशन साउथ इंडियन, उसके बारे में वो शायद नहीं है। हाँ, वो तो अमेरिकन एक्सेंट नहीं बोलते हैं। हाँ, उसने एक्सेंट पकड़ा हुआ है। लेकिन मतलब एक जनरेशन का फर्क है साउथ और नॉर्थ इंडिया में। हाँ, लेकिन मंदिरों का जाना बहुत मतलब चालू है, मंदिर जाना, फेस्टिवल्स, वो दुनिया भर के जो मैंने तेलुगु फेस्टिवल्स देखे हैं, और मंदिर जाना और गृह प्रवेश और मतलब दुनिया भर की चीजें, व्रत रखना, सावन का व्रत। अभी हमारे पड़ोस में एक कर्नाटक की महिला है, उसने सावन के कुछ व्रत रखे, कुछ वो होता है वरलक्ष्मी, और उसमें बुलाया तो मेरी वाइफ की साड़ी वाड़ी उस दिन पहन के गई। तो हमारी इंडियन कम्युनिटी में जो भी कल्चरल एस्पेक्ट बचा है वो साउथ इंडियंस की वजह से बचा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। या अमेरिका में ये कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ, अमेरिका में जो इंडियन इंडो अमेरिकन जो लोग हैं उसमें उसकी अच्छा ऐसी। मैंने ये भी देखा कि साउथ इंडियन बच्चे घर में तेलुगु तमिल सीख रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी में थोड़े कच्चे हैं। नॉर्थ इंडियन बच्चे हिंदी नहीं, हिंदी या पंजाबी या नहीं सीख रहे हैं, सीधा अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये भी मैंने देखा। अच्छा, ये अंग्रेजी भी। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं सोच रहा था कि इसमें जो हमारे लोग जाके बसते हैं फर्स्ट जनरेशन, तो वो तो काफी मतलब उनको तो ये बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे अभी हर्ष ने जैसे कहा, मैं सुन रहा था हर्ष को, मैं भी एक जब 2-3 बार गया हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जगह, मतलब जगह और जो लोग भी। जैसे मेरे साथ तो कुछ खराब इंसिडेंट हुआ नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो ये एक इंडियन के लिए वहाँ पे जो अमेरिका चला जाता है उसका, बहुत सारे हमारे दोस्त अपना रिश्ता बनाए रखते हैं ना इंडिया के साथ, तो ये मतलब एक आम इंडियन के जीवन में अमेरिका एक बहुत क्या बोलते हैं, वो इंडिया की जगह ले सकता है क्या? इन द सेंस दैट ये हो सकता है कि वो अमेरिका को इंडिया से ऊपर माने, या क्योंकि बहुत लोग तो इस द्वंद में फंसे होते हैं ना कि वो आधा एक पांव वहाँ एक पांव यहाँ पे है,
तो ये मतलब मैं जस्ट ये समझना चाहता हूँ कि वो इंडियन वहां पे जाके पूरा अमेरिकन बन सकता है कि नहीं? इसमें दो तीन बाधाएं आती है। अगर आप सामाजिक हैं, मतलब है ना, आपकी आदत है कि शाम को आस पड़ोस में बैठना है, या आपकी आदत है कि होली दिवाली पर रिश्तेदारों को मिलना है, अगर आप सामाजिक हैं इंडिया में भी, तो अमेरिका बिकम्स अ लोनली प्लेस, क्योंकि वहाँ सामाजिकता वैसी है नहीं। जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आदिलाबाद का लड़का अमेरिका जाके बसेगा तो बहुत लोनली फील करेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली बम्बई के हैं तो आपकी सामाजिकता तो पहले ही खत्म हो चुकी है ना, आपका सारा जीवन अपने परिवार तक ही सीमित है। तो उसके लिए अमेरिका का ट्रांजिशन कोई बहुत उसमें कोई वो नहीं होगा, एस्पेक्ट नहीं होगा। मैंने ये पाया है कि बहुत सारे हमारे लोग जो दिल्ली बम्बई में बसे हैं, दे फील रिलीव्ड कि वो गांव से एस्केप होके आ गए। ऐसे ही बहुत सारे हमारे इंडियंस जो अमेरिका में, दे ट्राइंग टू फाइंड अ फुट होल्ड, दे फील रिलीव्ड कि वो इंडिया छोड़ के अमेरिका आ गए। तो ये प्रॉब्लम शायद सिर्फ इंडिया से अमेरिका जाने की नहीं है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली शुरू से ही है कि भाई हमने गांव भी छोड़ दिया, हम दिल्ली पर आके बस गए हैं, हम बम्बई में आके बस गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अकेलापन। दो या तीन बार अमेरिका गया हूं, और थोड़े थोड़े समय के लिए, 1 महीने से ज्यादा तो रहा नहीं कभी भी। और मैं तीनों बार शायद न्यूयॉर्क तो गया ही हूं, और ज्यादातर नॉर्थ में ही रहा हूं। एक एरिजोना जैसी एक कोई जगह, और साउथ सैन फ्रांसिस्को की तरफ एक बार गया था, बहुत थोड़े से समय के लिए। लेकिन मुझे न्यूयॉर्क इतना सुना था, है ना, और ऐसे एक दिमाग में तस्वीर थी कि ये इट्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, और वहां तो एकदम स्वच्छंद, मतलब लिबरलिज्म का मेका जैसा। पर मेरे को जो इम्प्रेशन हुआ, अब ये हो सकता है कि मेरा अपना इशू हो, पर मेरा मुझे ये लगा कि मैं तो कोई जेल में आ गया। इसलिए एयरपोर्ट से शुरू हुआ, जब वो तलाशी लेते हैं आपकी, और अनुराधा मेरे साथ थी, तो वो तो इतना उसकी जो तलाशी हुई फिजिकली, तो उसके बाद वो तो इतना हिल गई कि 2 दिन तक वो हिली रही, जिस कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि इस कदर और इस तरह तलाशी ली जा सकती है, सर्च की जा सकती है एयरपोर्ट पे। और वो सामान्य सी बात थी, माने सिर्फ अनुराधा के साथ ऐसा हुआ हो, ऐसा नहीं, सबके साथ ऐसा होता होगा। और उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन, वो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, जिस तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत भद्रता से ट्रीट करते हैं सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट पे, और उनका पूरा हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, हम लोगों को हो सकता है कि हम लोग यूज्ड टू नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है वो लोग भारी भरकम, लंबे चौड़े, ऐसी मतलब राक्षस का जो छवि हम लोग के मन में रहती है, उस करीब करीब ऐसे ही दिख रहे थे वो लोग, और क्रूर चेहरा। और उसके बाद मैं जब न्यूयॉर्क में था, तो मैंने देखा कि सब लोग भागते हैं सड़क पे, है ना, मतलब जैसे कि कोई ट्रेन पकड़ने के लिए ही जा रहे हूं। और वो जो भागना है, वो भागना ही लगा, मतलब ये नहीं लगा कि वो हेल्दी कोई वॉक होती है ना, वैसा नहीं लगा। ऐसा लगा कि दे आर इन अ हरी, दे आर इन अ हड़बड़ी, एंड दे आर डू ये कर रहे हैं, पर सब कर रहे हैं। और अगर आप मेरे जैसा आदमी जो धीरे नहीं चलता है पर बहुत तेज भी नहीं चलता है, मैं अगर सड़क पे चल रहा हूं, तो कम मैं हर 15-20 मिनट में, 10 मिनट में कोई ना कोई मुझसे टकराता था, क्योंकि मैं अपनी पेस पे चलता हूं और वो लोग हमसे ज्यादा तेज चल रहे हैं। और क्योंकि मतलब भीड़ है फुटपाथ पे ठीक ठाक, तो वो कोई ना कोई टकरा ही रहा है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं उनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, मेरे को उनके ही पेस पे चलूंगा तभी ठीक है। यानी एक ऐसा सडनली मुझे लगा कि यहाँ का जो जो नियम है, और जो कुछ नियम तो लिखित नियम है, और कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अनसेड होते हैं, जैसे तेज चलना, ये नियम नहीं है, लेकिन सभी तेज चल रहे हैं, तो ये एक तरह से एक व्यवस्था ही है कि तेज चलो।
अब अगर मैं तेज नहीं चल रहा हूं तो मैं प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हूं उनके लिए, तो धीरे धीरे मेरे मन में ये भाव आता है कि भाई तेज चलो क्योंकि धक्का लग रहा है, या मैं दूसरों के लिए प्रॉब्लम कर रहा हूं, तो आई फॉल इन लाइन सो टू से, और आई एम प्रोपेल्ड, मतलब फिर मुझे रेजिस्ट करना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं क्यों तेज चलूं, मैं ऐसे ही चलूं। स्वाभाविक जो एक अंदर से जो वो होता है वो ये है कि तुम भी तेज चलो। ऐसे ही मैंने जब मैं मेरे दोस्त है वहां था, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो बहुत खाने पीने का शौकीन था, तो हम उसके साथ बहुत रेस्टोरेंट्स में जाते थे, और वो वहां रहता था आईआईटी के पास, 76-78 से वो वहां वहीं बस गया था, वहीं रहता था, और ग्रेट एडमायरर ऑफ द लिबरल अमेरिका, तो वो और बहुत लैविश आदमी था, खूब मतलब शौकीन भी था, तो रेस्टोरेंट ले जाता था, तो उसकी आदत थी कि वो बाएं तरफ देख के खाना नहीं ऑर्डर करता था, दाई तरफ देख के ऑर्डर करता था, माने सबसे महंगी चीज ऑर्डर करेगा दाई तरफ देख के। तो वो उधर मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं मेरे को जो वहां का तौर दे क्लेम की देयर इज नो तौर तरीका, यू कैन बी व्हाट यू लाइक, बट देयर इज अ अनसेट प्रेशर टू बिहेव द वे दे वांट यू टू बिहेव और देयर वेज, नो वन टेल्स यू एनीथिंग। दिस प्रेशर आई फेल्ट ऑलमोस्ट ऑप्रेसिव, यू नो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। और फिर मैंने एक दिन, क्योंकि मैं उस टाइम एक महीने था वहां पे, तो मैंने देखा न्यूयॉर्क की डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूयॉर्क की सारी सड़कें या तो परपेंडिकुलर है या हॉरिजॉन्टल है, ग्रिड की तरह है सारी की सारी सड़कें। तो मुझे लगा ये शहर ऐसे ही डिजाइंड है कि भैया सीधे चल, सीधे रहो, सीधे का मतलब है नियम कानून जैसे हमने बनाया उसके हिसाब से चलो, एकदम सीधे सीधे, दो ही विकल्प है तुम्हारे पास, एक या तो सीधे ऐसे करो या ऐसे करो। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उनकी ब्रॉडवे जो है जहाँ सारे थिएटर होते हैं, नाटक होते हैं, मूवीज दिखाई जाती हैं, सब कुछ होता है, वो सड़क, वो एकमात्र सड़क है इस मैनहट्टन में जो मेन न्यूयॉर्क है जो डायगनल है, माने या तो सड़क ऐसे है या ऐसे है, ब्रॉडवे ऐसे है। तो मैंने बोला ये भी जानबूझ के बनाई गई कि थोड़ा बहुत तुम नियम को अगर करना है तो ये इधर कर सकते हो इस ब्रॉडवे में, लेकिन वो भी सीधी है, वो ऐसे ऐसे नहीं है। तो ये आई वंडर इफ इट इज इन द डिजाइन और इट इज एन अनकॉन्शियस थिंग। उसके बाद मैंने एक किताब पढ़ी, वो टेक्नोलॉजी पे, मुझे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड, यू नो कि हाउ टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टम और वो सिस्टम कैसे हमको हमारे बिहेवियर को चेंज कर देता है। तो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लैंगडन करके एक ऑथर है, उसकी लिखी हुई है, फर्स्ट नेम आई एम फॉरगेट, लैंगडन था उसका सेकंड नेम, मेरे को याद आ जाएगा। वो रिएक्टर वाली किताब जो कहते हैं वेल, हाँ नहीं वेल एंड द रिएक्टर, हाँ मे बी इट इज दैट, आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी इट्स वेल एंड द रिएक्टर, विनर लैंगडन, विनर WINNER विनर लैंगडन या लैंगडन विनर। तो वो उसमें लिखता है कि ये जो सेंट्रल पार्क बना है न्यूयॉर्क का, ये जिसने बनाया डिजाइन किया उसने, ही मेड श्योर कि वहां द मेन गेट, अब तो बहुत सारे उसमें एंट्रेंस हो गई है, पर जब वो बना था तो शायद देयर वर वेरी फ्यू एंट्रेंसेस, और जो मेन एंट्रेंस थी वहां जाने का जो रास्ता था वो एक रेल की पटरी के नीचे से होके जाता था, अंडरवे से ऐसे करके उसके नीचे से आपको जाना, ये ऐसा उस वो ऑथर के हिसाब से उसकी जो ओपनिंग थी, मतलब आपकी जहाँ सड़क और वो जो ऊपर का ब्रिज है उसके बीच की हाइट करीब 10 फुट के आसपास। तो वो ऑथर का ये कहना था ये जानबूझ के किया गया था ये 10 फुट की हाइट, ताकि उसमें से बस न जा सके, सिर्फ गाड़ियां जा सके। और उसके पीछे का कारण ये था कि ब्लैक्स जो हैं वो लोग उस जमाने में बहुत कम ब्लैक्स होते थे जिनके पास गाड़ियां होती थी, वो लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते थे, तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उधर जा नहीं सकेगा वो ब्रिज की वजह से, गाड़ियां ही जा सकेंगी, तो ब्लैक अपने आप कम आएंगे, उसमें कोई बोर्ड नहीं लगा था कि ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। तो ये वो ये कह रहा था कि ये जो है ये सिस्टम इस तरह का डिजाइन किया गया जिसमें ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके बिना आपके ऊपर कोई लांछन लगे, आप पे कोई ब्लेम नहीं कर सकता है।
This is the power of the system. So, but of course, this is just one of the things in that book. बहुत सारी चीजें उसमें बताई कि कैसे यू नो टेक्नोलॉजी चेंजेस योर परसेप्शन. तो ये अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब मैं था, मुझे उस किताब की याद, शायद बाद में पढ़ी, पहले पढ़ी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये चीज हमने नोटिस की कि वहां पे न्यूयॉर्क में खास करके उन्होंने सिस्टम को बहुत रिफाइन किया है, बहुत रिफाइन किया. हम लोग सिस्टम को समझते नहीं है. अमेरिकन्स ने सिस्टम को में महारत हासिल है और उस सिस्टम को कैसे आप सटली ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इसमें वो लोगों ने आज से नहीं 100 साल से वो काम कर रहे हैं, मे बी उससे भी ज्यादा, और इसमें एकदम परफेक्शन, ऑलमोस्ट वो परफेक्ट हो गए. और ये सिस्टम ही, टेक्नोलॉजी भी एक सिस्टम है. और आजकल हम देख सकते हैं जो हम एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं या फेसबुक और ये जो डिजिटल मीडिया, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और इससे किस तरह से ह्यूमन माइंड को मैनिपुलेट किए जाने की उसमें ताकत है, ये अचानक नहीं हुआ है. मुझे ये लगता है ये अमेरिकन सोच में करीब करीब 100 साल से रहा है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से तो डेफिनेटली रहा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से और तेजी से ये हुआ है. ये बार बार मुझे दिखाई देता है. न्यूयॉर्क में जब मैं था तो मुझे इसको बहुत महसूस हुआ और मुझे मैं एकदम ईमानदारी से बोलता हूँ, मुझे घुटन होने लगी. मुझे लगा कि मैं यहाँ बिल्कुल कतई नहीं रह सकता हूँ. लोग बहुत गुणगान करते हैं न्यूयॉर्क का, बहुत ज्यादा कि भाई ऐसी तो मजा आ जाता है वहां पे और ये और वो, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, लेकिन मैं तो उधर घुटन महसूस कर रहा था. क्योंकि हो सकता है बस मतलब दीज थिंग्स आई वॉज ज्यादा ही अटेंशन पे कर रहा था और इस इतना अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है, मस्त रहना चाहिए थोड़ा आदमी को, खाओ पियो वो भी एक लाइफ है, वो एंजॉय करनी चाहिए. लेकिन मुझे ये हिट किया, बहुत जोर से हिट किया. एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये उसके पहले, ये 2012 की बात है ये वाला किस्सा. उसके पहले मैं फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था 94 में और उसमें मेरा एक दोस्त ने मुझे बुलाया था. मैं इंग्लैंड गया था एक कोर्स करने और उसने मुझे उधर बुलाया, उसी दोस्त ने जो बहुत खाने पीने का शौकीन था. तो उस वो अकेला था, ही वाज ऑलमोस्ट अ बैचलर. तो वो हम लोग को शाम को 8 बजे के बाद वो मुझे बाहर ले जाता था रात को. तुम लोग बोलते 9 बजे अमेरिकन सो जाते हैं, मुझे लगता है न्यूयॉर्क के लिए वो बात लागू नहीं होती होगी या कुछ लोगों के लिए नहीं होती हो. वो तो मुझे 8:30 के बाद बाहर ले जाता था और एक एक रेस्टोरेंट, फिर दूसरा रेस्टोरेंट, फिर तीसरा रेस्टोरेंट, फिर 4 रेस्टोरेंट जाए बिना तो हम लोग घर नहीं लौटते थे. कहीं कुछ खाया, कहीं कुछ पिया, फिर कहीं कुछ खाया, फिर कहीं कुछ पिया, ऐसे करके. तो एक रेस्टोरेंट में वो हमको ले गया जो उस टाइम बड़ा रेज था उसका. वो कोई या तो लेबनन का आदमी या ईरान का आदमी, ऐसे कोई चलाता था उसको, या हेस्पियन होगा, मतलब वो अमेरिकन नहीं था. और उस रेस्टोरेंट में एक भी टेबल और एक भी कुर्सी दूसरे से मिलती नहीं थी, यानी देयर वाज नो मैचिंग. ईच टेबल, ईच चेयर वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंड एकदम हैपहैजर्ड वे में. वहां कोई ऑर्डर नहीं था, मतलब टोटल केओस वाज द ऑर्डर. वो रेस्टोरेंट का यूएसपी शायद यही था. तो वहां पे साहब एकदम मतलब एक स्टेज सा था और वहां लोग जो जिसका मेरा मन हो तो मैं जाकर के वहां कुछ बोल सकता हूं, मैं जाकर वहां गा सकता हूं, इस तरह का बोहिमियन एक एटमॉस्फेयर था और एकदम रेज था उसका. तो वहां पे हम लोग बैठे थे और मेरे लिए तो बहुत नई चीज थी और मैं थोड़ा सा संभल के बैठा था, इतना फ्री तो नहीं था. एक लड़की आई वाइट, अपने साथ एक कुत्ता लाई बड़ा सारा और कुत्ते को अंदर ले आई रेस्टोरेंट में. तो उसका थोड़ी देर बाद वो सब लोग थोड़ा, कई लोग घबरा गए, कई लोग उसको पुचकारने लगे. वो ओनर आया, बोला नहीं दिस इज नॉट अलाउड. शी सेज नो, ये तो कैसे नहीं अलाउड है, होना पड़ेगा, आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं कुत्ते के खिलाफ, वो भी तो एक जीवित प्राणी है. और ये उनकी बहस होती है और फिर बहस होती है और फिर वो जाकर के स्टेज पे गाना गाती, क्योंकि वो बोलता है मैं पुलिस को बुलाऊंगा और वो वाकई बाहर जाके पुलिस को बुला के लाता है और ये स्टेज पे चली जाती है और ये वहां पे गाती है वी शैल ओवरकम. और फिर वो पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं और वो गाती रहती है वी शैल ओवरकम.
तो मेरा दोस्त बाद में बोलता है, ये पूरा जो खेल तुमने देखा पिछले 15 मिनट, ये पूरा मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग की गई है, ये ऐसे ही करती जाती है, रोज कुछ ना कुछ इस तरह का ड्रामा होता है, क्योंकि ये उसकी मतलब उसके एक उसका ड्रामा का हिस्सा है इस पूरे जगह का, इसको देखने लोग आते हैं इस तरह के ड्रामा को। तो ये जो है वो मार्केटिंग थी या नहीं थी, आई डोंट नो, मेनी पीपल मे नॉट बी नोइंग, मे बी इट वॉज स्टेज्ड, मे बी इट, आई डोंट नो, दिस इज, बट द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वॉज दैट उस रेस्टोरेंट को इसका नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ, यू सी। तो ये क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसी चीज हो सकती है, इन द सेंस की एक चीज जो कि आपके खलल, आपको लगे कि ये खलल डाल रही है हमारे काम में, और वही चीज आपको एक्चुअली फायदा पहुंचा रही है, इसके लिए पूरी एक प्लानिंग हो रही है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज ये सब करती होंगी, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन एक कमर्शियल मार्केटिंग की जगह में भी इस तरह हो सकता है, शायद आजकल होता हो, लेकिन 94 तो आई वॉज रियली टेकन अप बाय दिस कि ये लोग मार्केटिंग जानते हैं, जिसको आजकल आप मार्केटिंग कहते हैं, हम इससे सहमत नहीं इस तरह की चीज से, लेकिन वो मार्केटिंग जानते हैं, वो सिस्टम्स जानते हैं, वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट किया किया जाता है, इसको उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट किया। और ये जो परफेक्शन है, मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारी बात सुन के पवन, कि ये जो कंजर्वेटिव साइड है अमेरिका का, जो वाइट डोमिनेटेड क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वो लोग शायद ये सब चीजें नहीं जानते होंगे। ये जो तौर तरीके हैं, और ये जो आर्ट है, ऑलमोस्ट इट्स एन आर्ट टू हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू मेक लोगों को बेवकूफ बना, ये कहीं ना कहीं ये सेक्युलर लिबरल जो इकोसिस्टम है उसका एक, ये उनमें बहुत डेवलप होता है ये चीज, उनके लिए ज्यादा सहज है ये सब कर पाना, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं यहां भी ये चीज देखता हूं कि बिटवीन द लेट्स से कि यहाँ पे जैसे अगर हम दें कि एक तरफ ये सो कॉल्ड हिंदू की तरफ झुकाव वाली पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी है, और दूसरी तरफ ये दूसरे वाले हैं, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट हैं, ये लोग हैं, तो मैं ये देखता हूं कि देखो दोनों ही मीडिया में प्रचार करते हैं, दोनों ही फेक न्यूज चलाते हैं, दोनों तरफ से होता है। लेकिन मैं ये पाता हूं कि जब बीजेपी वाले कोई फेक न्यूज चलाते हैं, कभी कभी इतनी भौंडी होती है, इतनी ऑब्वियस होती है, इतनी क्रूड होती है कि पकड़ी जाती है कि साले इन्होंने कुछ किया होगा। ये दूसरे वाले चला इतने, कोई कोई तो मतलब सलाम करने को मन करता है कि क्या, किस तरह से सटली वो चीजों को कर रहे हैं, ये कहीं उसके मैचिंग ही नहीं है इन लोगों की। अच्छा, गाली इनको पड़ती है कि ये लोग प्रचार करते हैं इस तरह का, मतलब लेबल इन पे लगता है, ओह बिल्कुल बच के निकल जाते हैं। तो ये जो आर्ट फॉर्म है ना, अगर इसको आर्ट फॉर्म कहा जाए, ये इसका ये लिबरल थॉट से कैसे संबंध है, ये तो मैं इंपेरिकली देख पाता हूं कि जहां पे लिबरल सेक्युलर क्राउड है वो इस चीज को बड़ी आसानी से कर लेता है, और जो ये दूसरा वाला है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो, वो नहीं कर पाता इस तरह से। तो इसका ये 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 संबंध कैसे है, ये मैं नहीं समझ पाता। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है मोटा मोटी कि हाँ ऐसा कुछ है, दिखता है ऐसा, तो ये हमको सोचना चाहिए कि ऐसा है कैसे हुआ ये। मैं अपने दो तीन इम्प्रेशंस शेयर करता हूँ। एक तो जो आपने पुलिस वाली बात कही ना, कि जब आप न्यूयॉर्क पहुंचे और एयरपोर्ट पे जिस तरह की फ्रिस्किंग हुई, ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका में पुलिस का एक टेरर है। हिंदुस्तान में तो पुलिस वाले को कोई सीरियसली लेता नहीं है, हिंदुस्तान में तो आते जाते कोई पुलिस वाले को तो थप्पड़ मार के भी जा सकता है, अमेरिका में ऐसा संभव नहीं है। पुलिस देखते ही एक टेरर तो आता है। और मैं पर्सनली जब हिंदुस्तान में ड्राइव करता हूँ, अमेरिका में ड्राइव करता हूँ,
एक टेरर रहता है मन में कि मैं ओवर स्पीडिंग तो नहीं कर रहा हूँ, है ना, कोई पुलिस वाला वो तो नहीं है, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस है कि पुलिस वाला रोकेगा भी तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा, मुझे पता है पुलिस वालों को कैसे हैंडल करना है। तो अमेरिका में स्टेट का टेरर है, डेफिनेटली है। मैं पहले जहाँ रहता था वो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, लोग किराए पे रहते थे, और मैंने देखा है कि एक अंग्रेज लड़की जो रेंट नहीं दे रही है ये नहीं दे पाई है, उसका एविक्शन के लिए पुलिस आई है, एविक्शन वैन है, और उन्होंने आधे घंटे में पूरा सामान वामान लेके उसका सड़क पे निकाल दिया है, बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ है ना। और ऐसा मैंने हिंदुस्तान में कभी देखा नहीं कि किसी को इस तरह से एविक्ट किया गया पुलिस के द्वारा। मतलब उसमें भी हिंदुस्तान में अगर पुलिस एविक्ट करने आएगी तो उससे पहले कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाएगा या कुछ ना कुछ आ जाएगा ऐसा। तो एक स्टेट का खौफ तो है अमेरिका में। दूसरा मैंने ये रियलाइज किया है कि अमेरिका में एक होता है जिसको कहते हैं क्रेडिट स्कोर, कि जब भी आप क्रेडिट क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो रहा है कि क्या आपने टाइमली पेमेंट किया है नहीं किया है, क्या आपने अपने बिल्स का ऑब्लिगेशन पूरा किया नहीं किया है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है किसी कोई आपकी छोटी गलती से भी, तो आपकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दे कैन गेट अफेक्टेड बाय योर यू नो लो क्रेडिट स्कोर। तो एक सिस्टमिक प्रेशर है अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने का एट सर्टेन लेवल, नहीं तो आप आपको खरीदारी में प्रॉब्लम होगी, आपको कहीं एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। क्रेडिट स्कोर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मतलब जैसा आपने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का उदाहरण दिया था, ये फाइनेंशियल सिस्टम का उदाहरण है जो कि आपको बांध के रखता है सड़क पे सीधा चलने के लिए। क्रेडिट स्कोर इधर उधर नहीं होना चाहिए, सीधा चलना है आपको। मेरा जो इम्प्रेशन है अमेरिका के बारे में पवन जी, वो ये है कि अमेरिका कॉन्सेप्चुअली मल्टीकल्चरल सोसाइटी को वैल्यू करता है कि हमारे यहाँ हर एक कल्चर के लोग होने चाहिए, और उसके लिए वो ये वैल्यू करता है कि जो भी हमारे यहाँ अलग कल्चर का आए वो अपने कल्चर में रूटेड हो। हम इंडियंस का प्रॉब्लम ये होती है, जब हम अमेरिका जाते हैं तो हम अपने कल्चर से अपरूट होके जाते हैं, और उस अपरूटिंग को हम शो ऑफ करते हैं, इसलिए हम अमेरिकन्स के साथ बहुत हमारी पटती नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि वो इंडियंस जो अपने कल्चर में अपरूटेड हैं, मंदिर जा रहे हैं और अपने एक्सेंट में अंग्रेजी बोल रहे हैं, घर में पूजा जो भी कर रहे हैं, अमेरिकन्स उनको अलग तरह अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, और वो इंडियन जो अपरूटेड है अमेरिकन्स उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। ऐसा मैंने बहुत सटल लेवल पे महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने इस फर्क को देखा है। कुन को ये इसकी समझ होती है, अलग अलग कर लेते हैं उस चीज को। और जहाँ तक न्यूयॉर्क की बात है, न्यूयॉर्क तो एक अलग ही शहर है ना। जैसे आप बम्बई जाएंगे तो बम्बई में भी आपको सब लोग भागते हुए मिलेंगे, भागते भागते खाना खाते हुए मिलेंगे, और सारा जीवन जो है लोकल ट्रेन में ही बीत जाएगा। बम्बई में कोई सामाजिक बात नहीं होगी, सारी बातें बम्बई में लेन देन की होगी। मैं जब न्यूयॉर्क गया, एक ही बार गया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं बम्बई में ही आ गया हूँ, और वही रश है, वही भाग दौड़ी है, वही स्ट्रेट जैकेटनेस है। बल्कि मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी न्यूयॉर्क में घूमते घूमते, वो लगी कि न्यूयॉर्क में चलते चलते ही मैंने कई भाषाएं सुन ली, है ना। ऐसा नहीं है कि लोग सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, स्पेनिश में भी कोई बात कर रहा है, कोई फ्रेंच में भी बात कर रहा है, वो चलते चलते सुनाई दे गई मुझे। तो लेकिन ये तो है बिल्कुल भागा दौड़ी है, और एक पेस पे आप नहीं चलेंगे तो धक्का खाएंगे, तेज चलना है। जैसे बम्बई में होता है, आप सोचिए कोई आदिलाबाद का आदमी बम्बई पहुंच जाएगा तो उसको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये आई बीन पुश्ड अराउंड। अच्छा, मैं सोच रहा था इसमें कि हमारे टाइम पे जो लोग जाते थे यूएस, मतलब कहते थे कि पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और कोई जाने का तरीका नहीं था हमारे पास, तो उसमें से तो बहुत कम लोग वापस आते थे। मतलब वहीं टिक जाते थे ना लोग, उसमें से इक्का दुक्का, मतलब बहुत ही, मैं एक दो लोगों को जानता हूँ जो वापस उस टाइम पे गए थे और वापस आ गए इंडिया में, और जल्दी वापस आ गए। मतलब कि वो पीएचडी करके वापस आके इंडिया में काम करने लग गए।
लेकिन उसके बाद अभी जो बच्चे जाते हैं पहली पहली बात बहुत सारे लोग जाते नहीं है यहाँ पे रह के बेंगलुरु में जाना भी पसंद करते हैं और उसमें से यूएस में नौकरी करने जाते हैं तो वापस भी आ जाते हैं मतलब अब आम बात सी हो गई है यूएस में जाना। उस टाइम हमारे टाइम पे बहुत बहुत अट्रैक्टिव था जाना और वहाँ जाके बस जाना, तो ये क्या चीज़ बदल गया अभी? और ये मतलब मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि ये क्या इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे इस चीज़ को तो इंडिया से लोग वहाँ जाना बंद ही हो जाएगा और वहाँ के लोग इधर आना शुरू हो जाएंगे क्या? मैं मतलब जस्ट एज अ मजाक आई एम आस्किंग बट इट्स वेरी नोटिसेबल दैट हम लोग अपने इतने मुश्किल से पकड़ पकड़ के वहाँ पहुँचते थे फिर वापस नहीं आते थे हम लोग, हमारे लोग वहीं पे, हालांकि बहुत लोग उसमें से मेरा एक दोस्त वहाँ पे पुजारी टाइप भी है, मतलब इंजीनियर भी है पूजा भी करता है, लेकिन वो इंडिया में आके तो नहीं रह सकता, वो अभी अभी या पहले भी नहीं आया, मतलब आया नहीं कभी। तो ये क्या चीज़ बदल गया अभी और इंडिया का क्या अट्रैक्शन बढ़ गया या यूएस का क्या अट्रैक्शन घट गया अभी पिछले 20-30-40 साल में, इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? देखिए ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया। देखिए एक बड़ा कारण कि लोग यहाँ से यहाँ पे कुछ वर्ष रहने के बाद चाहते हुए भी इंडिया जो है नहीं जा पाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसा थोड़ी देर पहले पवन जी ने भी एक बात कही थी सिस्टम वाली बात, तो यहाँ पे जब आप रहते हैं तो धीरे धीरे यहाँ का चूंकि सिस्टम इतना वेल डिफाइंड है और तो आप उसके आदि हो जाते हैं एक एक निश्चितता के, मतलब ये जो बाहर की जो दुनिया है ना जो आंखों से जो जो दिखने वाली जो दुनिया है जो आदमी के बनाए हुए जो नियम है और ये सारी चीजों, तो वो चूंकि यहाँ पे बहुत एक अच्छे ढंग से डिफाइन की गई है और उनका पालन होता है तो वो एक एक निश्चितता दिखती है जो कि इनको लगता है कि भाई ये बड़ी चीज है जो इंडिया में नहीं है, अभी भी नहीं है क्योंकि हम लोग सिस्टम को स्वीकार ही नहीं है। तो अब तो जैसे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे भाई कि आपका महीने का बिजली का बिल है ना, उसके लिए आपको लाइन में नहीं लगना है या फिर कुछ खराबी हुई जो है पानी नहीं आ रहा आपने एक फोन किया वो आ गया, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें सर के आप जब गाड़ी चलाते हैं तो हर आदमी नियम का पालन कर रहा है, तो धीरे धीरे करके मतलब कुछ सालों में आपकी ऐसी आदत हो जाती है कि थोड़ा भी अगर कोई चीज अनडिफाइंड है ओपन है थोड़ा अनसर्टेनिटी है उससे घबराहट एक होती है साइकोलॉजिकल जो है, तो उस वजह से वो व्यक्ति अब मतलब यहां से नहीं जाना चाहता है, उसको बड़ी तकलीफ होगी जो है इंडिया जाने पे। ये एक बड़ा फर्क है जो कि मतलब शारीरिक कंफर्ट से ज्यादा गहरा चीज है, मतलब तो ये वाला चीज हमने इन जनरल जो है लोगों में देखा जो कि जाने से रोकती है। और फिर दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा कि भाई जो है इंडिया से यहाँ पे अब उतना मुश्किल नहीं रहा आना जितना कि पहले था और संख्या भी बढ़ती जा रही है हर साल जो है और ज्यादा लोग जो है आते जा रहे हैं, तो अब कोई वैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। बहुत छोटे छोटे कॉलेजेस से भी हम देख रहे हैं, पहले तो IIT वाले ही लोग ज्यादातर आ पाते थे, अब हम देख रहे हैं कि साउथ के और मतलब महाराष्ट्र के बड़े छोटे छोटे कॉलेजेस के पढ़े हुए लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं नौकरी करने आ रहे हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये मतलब एक तरह की जनरलाइजेशन की तरफ ये चीज जा रही है और आने वाले हम लगता है कि 5-10 सालों में एक अलग कुछ तस्वीर जो है उभर के आएगी। मतलब एक एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि कनाडा तो पूरी तरह से इंडियन पंजाबी डोमिनेटेड हो ही गया, तो उतना तो शायद ना हो यहाँ पे पर फिर भी काफी हद तक वैसा कुछ एक कल्चर दिखेगी मुझे ऐसा लगता है। एक चीज हमने और नोटिस की है, हमारे मैं मसूरी रहता हूँ और यहाँ एक लैंग्वेज स्कूल है काफी पुराना, मिशनरियों के लिए खुला था करीब 150-200 साल पुराना,
वहाँ पे भारतीय भाषा पढ़ाने के लिए वो स्कूल है, छोटा सा है लेकिन बहुत नामी है, बहुत पुराना है, उसका अपना सिस्टम है, वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो पहले तो मिशनरी आते थे एक ज़माने में, अभी भी कुछ कुछ मिशनरी आते हैं, लेकिन अब इंडोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत आते लगे थे। अब मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से 6 साल से कि यंग लोग आ रहे हैं जो न इंडोलॉजिस्ट हैं, न एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, न मिशनरी है। वो क्या है? वो बिजनेसमैन है। क्या बिजनेस? और छोटे बिजनेसमैन है, अपना व्यापार कर रहे हैं और भारत में बसे हैं। मैं कम से कम 4 ऐसे लोगों को जानता हूं पिछले 3-4 साल में। हमारे एक छोटा सा एक कॉटेज है घर में, जहां मैं कभी कभी उसको लॉन्ग टर्म किराए पे देता हूं, अगर कोई रेफरेंस से आता है तो वहां पे वो लोग उसमें आके रहे। और उनसे बात हुई तो पता चला वो नोएडा में वो लोग रहते हैं और ये हिंदी सीखने आते हैं ताकि थोड़ी काम चलाओ हिंदी उनको आ जाए। और यहाँ से एक आया था, वो यहाँ से ग्रेनाइट खरीदता था और एक्सपोर्ट करता था, ग्रेनाइट पत्थर। एक आया जो हैंडीक्राफ्ट खरीदता है और एक्सपोर्ट करता है, एक और कोई कुछ और करता है। इस तरह के 4 लोग पिछले 4-5 साल में मेरे यहाँ टिके हैं, 2-2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ऐसे करके हिंदी सीखते। तो ये लोग यहाँ बसे मतलब कितने दिन बसेंगे, 1 साल 2 साल लंबा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक नई चीज मैंने देखी है कि हिंदी वो लोग करने आ रहे हैं जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपने कहा कि ये रिवर्स हो सकता है ट्रेंड, मे बी, मुझे लगता है कि ये कि जो इतना बड़ा ये हवा एक हो गया है कि हिंदू मुसलमानों का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार इसको खूब प्रचारित करते हैं, BBC खूब प्रचारित करती है, अगर ये नहीं उस तरह से प्रचार ना होता तो शायद और ज्यादा संख्या में आते। क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिससे हम जैसे लोग तो दूसरी तरह से डेवलपमेंट को सोचने वाले लोग हैं, पर अगर जो मेन स्ट्रीम सोच है उसके हिसाब से रिलेटिवली भारत बेटर कर रहा है दूसरे देशों से, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है रिलेटिवली स्पीकिंग दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है दूसरों के मुकाबले, यहाँ पे इन्फ्लेशन दूसरों के मुकाबले कम है और यहाँ पे जॉब सेक्टर में भी दूसरों के मुकाबले बेटर है। तो हर इकोनॉमिक इंडिकेटर यहाँ का बेटर हो रहा है। तो वो भी जो लोग सीरियस हैं, जो सिर्फ पॉलिटिकल प्रचार वालों को छोड़िए या सोशल एक्टिविस्ट को छोड़िए, वो एक तरह से देखते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो उसकी वो जो सामान्य इंडिकेटर देखते हैं उनके हिसाब से हिंदुस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ये खबर आई कि भाई हम बिकम द 5th largest इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि नहीं साहब उनकी जनसंख्या तो कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। तो पहले भी थी, आज भी है, पहले हम 6 नंबर पे थे, अब हम 5 नंबर पे आए हैं। तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं तो पहुंच ही रहा है ना जो लोगों के। तो ये अगर नेगेटिव प्रचार जो है वो अगर थोड़ा कम होता तो शायद और ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आते। एक और बात मुझे लगती है कि जो तुमने बात की अरुण कि हमारे जमाने में, मेरे भी जमाने में जो लोग विदेश जाते थे, मेरे मित्र IIT से, वो करीब करीब वहां जाके बसे या बहुत ज्यादा बड़ी उम्र में हुए तब जाकर के वापस आए, एक आदि आया होगा, बाकी वहीं बसे। पहले वहां का जो अट्रैक्शन था वो बहुत अलग तरह का था। देखो हमारे जमाने में ना मोबाइल फोन था ना लैपटॉप था, हम लोग फोन बात कर मतलब बुक करना पड़ता था फोन, और बुक करने के बाद वो घंटों के बाद वो फोन मिलता था, है ना। STD भी हमारे IIT से पास होने के बाद आया है। तो हम लोगों के जमाने में अमेरिका की एक तस्वीर जो थी वो मतलब दूसरी तरह की थी भाई, मतलब कैनेडी की पत्नी जैकलिन कैनेडी, ग्लैमरस वुमन यहाँ आ रही है, नेहरू जी से मिल रही है, मतलब एलिजाबेथ टेलर, सोफिया लॉरेन और वो कैडिलक गाड़ियाँ, और भला हम लोगों के जमाने में तो अमेरिका वॉज द ड्रीम लैंड, यू नो। उससे तुम और मैं अट्रैक्ट हुए हो नहीं अट्रैक्ट हुए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक था है, मतलब द लैंड ऑफ द फ्यूचर, मतलब हम लोग IIT कानपुर मतलब वॉज द टॉप ऑफ द पॉप्स IIT में भी, क्योंकि वो अमेरिकन एडेड था तो उसका रुतबा ज्यादा था, वहाँ के प्रोफेसर अच्छे होंगे वगैरह वगैरह, वो एक अलग सवाल है, लेकिन अपने आप में उसका एक ग्लैमर था IIT कानपुर का, बिकॉज इट वॉज अमेरिकन सपोर्टेड।
वो ग्लैमर दिल्ली का नहीं था, वो ग्लैमर खड़गपुर का नहीं था। वहां पे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वो क्या बोलते हैं वो बात छोड़िए, दूर से जो था एक ग्लैमर वो था कि भाई हमारी, और हमारे सारे प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के अमेरिका रिटर्न्ड होते थे, एमआईटी से आते थे वगैरह 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 वगैरह। तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा ग्लैमर था, करीब करीब वैसा ग्लैमर था जैसा कि ग्लैमर इंग्लैंड का रहा होगा बिफोर यू नो इन द 40s 30s टाइप ऑफ अ थिंग। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टिल वेरी रिसेंटली अमेरिका का ग्लैमर मतलब बहुत भयंकर ग्लैमर था। तो वो अब वो ग्लैमर नहीं है, पिछले आई वुड से 15 साल से 16 साल से 20 साल से वो ग्लैमर अमेरिका का नहीं है, वो उसमें बहुत फर्क आ गया है। और चाहे वो चीजों में हो, गाड़ियों में हो, वस्तुओं में हो, वो जो चीज वहां मिलती है यहाँ भी मिलती है, वो देख लिया है उन लोगों ने, मतलब लेटर आप आईफोन यहाँ भी मिल जाता है वहां भी मिल जाता है, ये देख सब दुनिया बहुत नजदीक हो गई है, लोगों ने देख लिया है, वो ग्लैमर उस तरह का रहा नहीं। और जो पवन ने बात बोली वो बहुत, वो भी इम्पोर्टेंट बात है कि छोटे छोटे कॉलेजेस छोटे छोटे जगह से लोग जाने लगे अमेरिका, तो अमेरिका कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही। और पहले तो थोड़े से लोग जाते थे एंड दे वॉन्टेड टू गो टू आईवी लीग कॉलेजेस ओनली या वेल ए ग्रेड कॉलेजेस, है ना। अब तो कहीं भी जाओ अमेरिका, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में अमेरिका रिटर्न होने का ठप्पा लगना चाहिए, आपने इससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। कुछ लोगों को पड़ता हो भाई आईएमटी से हार्वर्ड से पढ़ के आए तो, पर अमेरिका पढ़ के आए काफी है, तो कहीं भी टुच्चे मुच्चे कॉलेज में जाओ और पैसा दे के वहां भी एडमिशन मिलता है, क्या दिक्कत है। तो हर लिहाज से जो एक ग्लैमर अमेरिका का एक उसका हवा था वो बहुत कम हो गया। और ये भी लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे पैसे की ही अगर बात करें तो बहुत पैसे के लिहाज से करोड़ों की नौकरियां यहाँ भी मिलती हैं, थोड़े से लोगों को मिलती हैं पर मिलती हैं। और यहाँ की लाइफस्टाइल उस तरह के पैसे में जो है अमेरिकन लाइफस्टाइल से बेटर है, वो जो लोग उस तरह उस लाइफस्टाइल के को अच्छा मानते हैं अभ्यस्त हैं तो कोई भी लिहाज से यहाँ बेटर है उस तरह की लाइफस्टाइल। तो वो जो डिफरेंस था वो बहुत कम हो गया, अब नहीं है। और फिर सोशल मीडिया बहुत चीजें बताती है, तो ये तो एक फर्क हुआ है। मेरे समझ में ये एक तरह से अच्छी बात हुई है कि वो हवा जो है अमेरिका का वो इट्स नॉट देयर एनीमोर। अब तो ये भी लोग बोलने लगे कि भाई वहां पे जाके सीग्रेट यूनिवर्सिटी से करके आ तो यहाँ का आईआईटी वाला या यहाँ का एम्स वाला कहीं बेहतर ट्रेंड आदमी है वहां की तुच्छी यूनिवर्सिटी से। तो ये भी लोगों को पता चल गया कि अमेरिका जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, कोई भी जा सकता है। हर्ष क्या बोल रहे थे? हाँ एक्चुअली मैं एक और मेरी बात ध्यान आई थी जो पॉलिटिक्स पवन जी बात करते लिबरल पॉलिटिक्स, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि अमेरिका में जो लिबरल पॉलिटिक्स का बोलबाला है उससे कहीं ज्यादा बोलबाला कनाडा में है। मैं अभी जब देखता हूँ जो हुआ अमेरिका में, एक बहुत स्ट्रांग पॉपुलेशन है जो प्रो ट्रम्प है ना, जो एंटी वैक्सीन है ना, जो जैसे हिंदुस्तान में तो किसी ने वैक्सीन का ऐसे विरोध नहीं किया, अमेरिका में तो खूब विरोध हुआ, लेकिन कनाडा में मैं जो थोड़ा बहुत जाना है वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही लोग वैक्सीनेशन लॉकडाउन सब गिवन कर दिया हुआ था। अमेरिका में तो लॉकडाउन नहीं हुआ, जबकि अमेरिका और इंडिया लगभग बराबर से ही रहे सफरिंग में, कैजुअलिटीज में और डेथ्स में, लेकिन जिस तरह का इंडिया में शायद 2 या 3 बार लॉकडाउन हुआ, अमेरिका में मुझे ऐसा ध्यान नहीं कि लॉकडाउन हुआ, न्यूयॉर्क शायद हुआ था लॉकडाउन, हमारे यहाँ तो लॉकडाउन नहीं हुआ और लोग मैंने हार्डली देखे हों कि वो मास्क पहन के घूम रहे हैं और दुकान के अंदर घूम रहे हैं मास्क पहन के, बाहर सड़क पर नहीं। लेकिन कनाडा के बारे में ऐसा मैंने सुना है कि वहाँ पे तो बहुत ही लोग स्ट्रिक्ट थे, एंट्री एग्जिट बैन थी और यू नो बहुत, जैसे मेरी सास मेरी वाइफ की मदर जब भी जाती है अमेरिका कनाडा तो उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता है, तब जाके वो अपने घर पे अपने बेटे के पास जा सकती हैं। ऐसा मैंने कभी अमेरिका में फेस नहीं करा, ऐसा मैंने कभी अमेरिका में क्वारंटाइन किया हो ऐसा मुझे कभी भी, बल्कि जब भी मैं अमेरिका से वापस इंडिया लौटा हूँ तो मुझे ये टेस्ट दिखाना, वो टेस्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव और
आरोग्य सेतु भरना और फिर एयरपोर्ट पे रैंडम टेस्टिंग, दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा टेस्टिंग और वो सब हुआ है अमेरिका में। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक चर्न आ रहा है, जितनी स्ट्रांग लिबरल लेफ्ट पॉलिटी है उतनी ही स्ट्रांग प्रो ट्रम्प राइट विंग कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वैल्यूज वाली पॉलिटी भी बन गई है। और हमारा जो स्टेट था जॉर्जिया, इस बार बाइडेन इलेक्शन में वो लास्ट का स्टेट था जिसका इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, वो गया बाइडेन की तरफ लेकिन बिल्कुल थिन मार्जिन से वो बाइडेन की तरफ गया। तो मुझे लग रहा है अमेरिका में अभी दोनों तरह की पॉलिटिक्स, और अभी ऐसे लोग कह रहे हैं कि दोबारा ट्रंप लौट के आएगा क्योंकि लोग बाइडेन से इतने नाराज हो गए हैं अमेरिका में, जो अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस तरह से यूक्रेन का वॉर बाइडेन ने हैंडल किया है। तो बहुत सारे इंडियंस घबराए हैं कि दोबारा ट्रंप आ जाएगा और दोबारा से हमारे वीजा रुक जाएंगे और उस तरह का काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताओ, ये बात मैं अग्री कर रहा हूं तुम्हारी कि इधर भी तो ऐसा ही है कि यहाँ पे मोदी की पॉपुलैरिटी इज अमेजिंग, आई मीन यू नो एट द ग्राउंड। लेकिन हमको ये बताओ, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, एंड आई थिंक यूरोप में भी, आई एम टॉकिंग ऑफ इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप, क्या बात है कि मीडिया जो सबसे पावरफुल टूल है आज के दिन, मतलब ओपिनियंस को बनाने और ओपिनियंस को मोल्ड करने का सबसे ज्यादा सशक्त माध्यम मीडिया है वो, और उसके साथ मैं एकेडमिया को भी जोड़ता हूं। तो बोथ द एकेडमिया, जिससे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, और मीडिया, और इवन दोज पीपल हु आर रियली कंट्रोलिंग द सिस्टम, जैसे अब नाम लू तो अमेरिका में मान लो फेसबुक का ओनर है या ट्विटर का ओनर है या ये जो सोशल मीडिया के ओनर्स हैं, ये लोग कहीं ना कहीं सिस्टम को चलाने वाले लोगों में से हैं, और भी होंगे, फार्मा इंडस्ट्री के भी लोग होंगे, है ना, आर्म्स इंडस्ट्री के भी लोग होंगे। लेकिन ये जो है, ये जो डावोस में जाते हैं, जैसे अब मैं एक नाम देना चाहता हूँ, जॉर्ज सोरोस, ठीक है, ये पूरी दुनिया में ये इसकी पॉलिटिक्स सबको पता है, मतलब ये खुल्लम खुल्ला, जैसे फॉर इंस्टेंस ही इज अगेंस्ट मोदी, समटाइम्स आई वंडर व्हाट हैज जॉर्ज सोरोस गॉट टू डू विद मोदी, क्या वो, मतलब उसको उसको क्या इशू है, व्हाई शुड ही बी सो कंसर्न्ड, है ना। तो ये जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, मीडिया है, एकेडमिया है, इसमें हिंदुस्तान में भी मैं देखता हूं, अमेरिका में भी देखता हूं, यूरोप में भी देखता हूं, जनता हो सकता है कि ट्रंप के साथ हो, जनता हो सकता है मोदी के साथ हो, कॉमनर हो सकता है बाय एंड लार्ज मोदी के साथ, लेकिन ये जो है, ये जो पावरफुल लॉबी है, पावरफुल, ये हमेशा ही लिबरल लेफ्ट कैसे है, ये इतने पावरफुल कैसे है, इसका क्या, इसका सूत्र कहाँ है? सूत्र कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन ये हमको रिपीट करके बोलना चाहिए कि कहाँ 50s 60s में मिल वर्कर हुआ करता था लेफ्ट वाला, आज एलीट बन गया है लेफ्ट वाला, कोई भी मिल वर्कर मजदूर अब लेफ्टिस्ट नहीं रहा है, अब तो चाहे हिंदुस्तान हो या शायद अमेरिका हो, तो एलीट्स हैं लेफ्टिस्ट या एकेडमिशियंस हैं लेफ्टिस्ट। ये 50 साल में चेंज हुआ है, मिल वर्कर तो अब हो गए हैं, मतलब ट्रेडिशनलिस्ट कंजर्वेटिस्ट, सिर्फ एलीट रह गए हैं जो। हाँ नहीं, ये तो साफ है, देखो जब से सोवियत रूस का पतन, मतलब खत्म, वो टूट गया 80s के अंत में, उसके बाद से ये चेंज हुआ है एकदम। आप सीधे एकदम उससे मिलता है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको ये जो तुम बोल रहे हो, ये फेनोमेनास अर्ली 90s से शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो स्पेस खाली हुई रूस वाली, यू नो, जो लेफ्ट की स्पेस, जिसका एक तरह से जो जो होल्डर था वो रूस था, वो जब टूट गया तो वो स्पेस को अमेरिका ने अपने अपनी एकेडमिया में घुसा दिया, उस स्पेस को। वो जो जितने भी इस तरह के रेडिकल थॉट वाले लोग थे, वो अमेरिकन ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में भर दिए गए। और वहां क्यों भर दिए गए? क्योंकि अमेरिका वांटेड टू कैप्चर दैट इंटेलेक्चुअल स्पेस, दे डिडंट वांट टू लीव इट फॉर समवन एल्स टू पिक इट अप।
तो वो अब उसको उन्होंने ऑन करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से जो अमेरिका बेसिकली एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और सोच वाला रहा है उसको वो छोड़ नहीं पाया, लेकिन उसका और इसकी अच्छी से एक शादी बोलो इनकी दोस्ती हो गई और उसका जो नया रूप है वो है लिबरलिज्म जिसने उस पुराने कैपिटलिज्म को और पुराने लेफ्टिज्म को दोनों को पचा लिया है और वही हम आज हम देख रहे हैं। तो आप जो इन लोगों की बात कर रहे हैं ये दोनों इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इससे प्रॉब्लम है बोलने में जो भी हो उनका जो अब जीवन है उसमें ये दोनों चीज समाहित है दोनों थॉट समाहित है।